कामयाबी के जो गीत गाए वो है डायमंड, जो जिंदगी को जीना सिखाए वो है डायमंड, मुश्किलों से जो ना घबराए वो है डायमंड, जिसके जज्बे हैं बुलंद, हौसले हों आली, मुकद्दर भी जिसके दर पे हो सवाली, वो है डायमंड। गरीबी की काली परछाइयों से लड़ झगड़कर, संघर्षों का लंबा बीहड़ पार करके, जिसने अपनी जिद, अपने जुनून के बूते, कामयाबी का कभी ना अस्त होने वाला सूर्य उगाया है, सेव शॉप के ऐसे ही एक युवा डायमंड हैं, मिस्टर योगेश कुमार। उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाने वाला, इतिहास की आभा से आलोकित एक सुंदर शहर है कानपुर। इसी शहर के एक गांव में श्री संपत सिंह यादव और श्रीमती राज रानी के घर 7 मई 1987 को दूसरी संतान के रूप में योगेश यादव का जन्म हुआ। पिता खेती किया करते, साथ ही दूध का छुटपुट व्यवसाय और कथा वाचन भी किया करते। योगेश जी की शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से आरंभ हुई और 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने गांव से ही की। आगे की शिक्षा पूर्व माध्यमिक विद्यालय 12 से पूरी की, जिसके लिए उन्हें अपने नन्हे कदमों से 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। निर्धनता की वजह से 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई करना बेहद मुश्किल था। पिता की आमदनी इतनी नहीं थी कि वे आगे की पढ़ाई जारी रख पाते। योगेश बचपन से ही मेधावी रहे हैं, जिसका उदाहरण है कि जब वे दूसरी कक्षा में थे तब से ही वे रामचरितमानस का नित्य प्रति पाठ किया करते, क्योंकि हर शाम घर में रामचरितमानस का वाचन किया जाता था। योगेश जी की पढ़ाई आगे भी जारी रखने का बीड़ा तब उनकी माताजी ने उठाया और उनका दाखिला श्री अर्जुन दास आदर्श कृष्णा इंटर कॉलेज मुरीदपुर में कक्षा 9वीं में करवा दिया। आपकी माँ सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह काम किया करती, बच्चों की परवरिश बेहतर करना यही उनका लक्ष्य था, किंतु सारी मेहनत के बाद भी वो वक्त पर अपने बच्चों को किताबें दिलाने और उनकी फीस भरने में सफल न हो पाती थी। मां की ऐसी विवशता को देखकर योगेश जी का व्यथित मन हमेशा सोचता कि काश मैं घर का सहारा बन पाता, मगर यहां तक पहुंचने का सफर अभी काफी लंबा था। लेकिन योगेश जी ने ठान लिया था कि अब अपनी पढ़ाई का बोझ वे स्वयं उठाएंगे और उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। वे घर में ही आसपास के कम उम्र के बच्चों को ट्यूशन देते, जो रकम उससे आती उससे पढ़ाई करते। इसी तरह उन्होंने अपना इंटरमीडिएट पास किया। पंडित कुंदनलाल शुक्ल महाविद्यालय रनिया से साल 2008 में स्नातक की डिग्री भी उन्होंने हासिल कर ली। इसी उधेड़बुन के चलते आपने अपने नजदीकी रिश्तेदार के साथ अकबरपुर तहसील में सहायक के रूप में प्रशिक्षण लेना आरंभ किया। उसी दौरान एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम भी पास किया, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वे लॉ नहीं कर पाए। बाद के दिनों में साधन विहीनता के बावजूद अपनी छोटी बहन के नाम से 12 कस्बे में वंदना कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर खोला। जिंदगी उन दिनों मानो ठहर सी गई थी, बहुत जद्दोजहद की, मगर इन हालात के चलते अपने कंप्यूटर सेंटर को भी बंद होने से नहीं बचा पाए। कर्ज का वजन कम करने के लिए कुछ वक्त तक
सिक्योरिटी इंचार्ज के सहायक के रूप में भी कार्यरत रहे। अपने परिवार की जिद के सामने हार मानते हुए आपने शादी की हामी भर दी और 30 मई 2011 को आरती यादव जी के साथ आप परिणय सूत्र में आबद्ध हो गए। उन दिनों भी आप तहसील जाया करते थे, लॉ करने की ख्वाहिश अभी भी दिल में थी, तो आपने फिर से एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और एक बार फिर पास हो गए। इसके उपरांत पंडित आर के शुक्ल कॉलेज ऑफ लॉ मंधना कानपुर से लॉ की स्टडी आपने आरंभ कर दी। 2 फरवरी 2012 को आपके आंगन में लक्ष्मी के रूप में एक नन्ही परी का आगमन हुआ, जिसका नाम रखा गया एंजल यादव। और इसी वर्ष जिंदगी के हर दुख को सुख में बदल देने वाला सेफ शॉप का विस्मित कर देने वाला प्लान देखा, लेकिन योगेश जी मानसिक रूप से ये स्वीकार करने को राजी नहीं थे कि वाकई ऐसे चमत्कार भी होते हैं। 3 नवंबर 2012 को जब योगेश जी ने आगरा में सेफ शॉप के सफल लीडर्स का सेमिनार देखा और क्राउन लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा और मरकरी लीडर मिस्टर टिकेंद्र सिंह से मिले, तो न केवल अपने संशय से निजात पाई अपितु कानपुर में वृहद पैमाने में काम शुरू करने का हौसला भी मिला। तेरा में सिल्वर बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, कई बार कंपनी के टारगेट अचीव किए, शीघ्र ही 1000 लोगों की टीम हो गई। पर सफलता की बुलंदी को छूने के लिए कितने ही सपनों की आहुति देनी पड़ती है, कितने ही रिश्तों से बिछड़ना पड़ता है। योगेश जी के साथ भी यही हुआ। इधर वो जिंदगी की जंग जीत रहे थे और उधर मां कैंसर से जिंदगी हार रही थी। लाख इलाज के बाद भी आखिर मां अपने कर्तव्य पूरे कर दिव्यलोकगामी हो गई और दे गई योगेश जी को अंतस वेदना, असंतृप्त खामोशी। इस दुख से योगेश जी पूरी तरह टूट गए थे। तब उन्हें फिर से सहारा दिया उनके गुरु मिस्टर देवेंद्र जी। और मिस्टर टिकेंद्र जी ने, और वे पुनः
पूरी ऊर्जा के साथ एक बार फिर से उठ खड़े हुए जिंदगी की जंग जीतने के लिए। साल 2014 में आप टोपाज बने, फोर्ड फिगो टॉप मॉडल कार ली। 2016 में एमराल्ड बने, मलेशिया का टूर किया और विदेश की धरा में यादव परिवार की क्षमताओं के चिन्ह अंकित किए। 2017 में आप रूबी बने, नेक्सा की सियाज टॉप मॉडल कार अचीव की। आज देश के कितने ही प्रदेशों में योगेश जी का बुलंद नेटवर्क फैला हुआ है। वे रुकते हैं तो 5-स्टार होटल में, पहनते हैं तो ब्रांड्स, इसे कहते हैं वास्तविक जीत, सच्ची जीत। अपनी इस विराट कामयाबी के लिए वे अपने गुरु श्री देवेंद्र शर्मा, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी, अपने वरिष्ठ अमित शर्मा जी, सभी अपलाइनों, अपनी टीम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप को अपना सबसे बड़ा संबल मानते हैं। जय हो डायमंड मिस्टर योगेश यादव। Leaders, leaders, leaders forever.